पीस अगर आपने हासिल करना है तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होंगी तो पीस आएगा। एट क्लास में था मेरे ख्याल में, उस टाइम स्कूल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक कोई लेके आया था, तो हम देख रहे थे कि टीचर से पूछा कि ये क्या किस चीज़ की किताब है, तो उसने कहा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कोई कारनामा अंजाम देता है, वर्ल्ड लेवल पे कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उनके नाम उसमें आ जाते हैं। तो वो मैं देख रहा था, मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि इसमें मेरा भी नाम, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा पुशअप्स के रिकॉर्ड मेरे पास हैं और इसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की भी शामिल है जो मैंने तोड़े हुए हैं। यहाँ पे कोचिंग भी करवा रहा हूँ डी खान में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं मेरी एकेडमी को, इसमें नेशनल लेवल तक लड़के जा चुके हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल में इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खेलेंगे। मार्शल आर्ट्स बचपन से ही मुझे शौक था, बचपन में मैंने जैकी चैन के कुछ मूवीज वगैरह देखी हुई थी, क्योंकि ये सोचती कि ये लड़ाई झगड़े के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती है, नहीं अभी वो जो सोच थी वो अक्सर चेंज। 2016 में मैंने पहले रिकॉर्ड मेरा अप्रूव हो गया था, उसके बाद बहुत कम अरसे में ये पाकिस्तान के कम अरसे में जितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास हैं वो किसी और के पास नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के नेशनल लेवल पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये गोल्ड मेडल वहाँ से लेके आ चुके हैं। चीज़ें यहाँ पे डीवी खान में अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें मैं साथ में जिमनास्टिक भी, अल्हम्दुलिल्लाह जिमनास्टिक के काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स तैयार हो चुके हैं, साथ में किक बॉक्सिंग के, ये नहीं है कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं, KPK लेवल पे वो खेल चुके हैं और गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं। मोताई जो थाईलैंड का स्टाइल है उसमें भी नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हुए, वुशु कुंग फू जो बेसिक्स हमारा गेम है उसमें नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं। मिक्स मार्शल आर्ट जो दुनिया की सबसे टफ फाइट्स शुमार होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डी खान में हमने स्टार्ट की हुई, यहाँ पे प्रोवाइड की हुई, एक तहिया किया हुआ है कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड लेवल पे इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लेवल पे हो, चाहे मिक्स मार्शल आर्ट।